हेलो दोस्तों, उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला जो कि उत्तराखंड का खास त्योहारों में से एक है। दोस्तों यह वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्ट वन में मैंने आपको बताया कैसे हरेले को बोया जाता है और कैसे 9, 10, 11 जितने भी दिनों के लिए इसे बोया जाता है उससे एक दिन पहले कैसे इसकी गुड़ाई की जाती है और कैसे इसको पूजा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इससे आगे। दोस्तों गुड़ाई के अगले दिन सुबह हरेला सबसे पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है, तो इसकी कटाई की जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि पापा मेरे इसे हरेले को काट के यहाँ पर पीठिया वाली थाली से यहाँ पर हमारे गोलजू देवता को चढ़ा रहे हैं। यह हमारा गोलजू मंदिर है, यहाँ पर मेरे पिताजी यहाँ हरेले को चढ़ा रहे हैं। तो यह सबसे पहले हमारे देवताओं को चढ़ाया जाता है। हमारे देवताओं को चढ़ाने के बाद यह गाँव में भी हमारे अलग अलग मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो पिताजी ने यहाँ पर हमारे मंदिर में चढ़ा दिया है। घर अपने घर के देवताओं को हरेला चढ़ाने के बाद गाँव के मंदिरों में भी चढ़ाना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप वीडियो में, मेरे पिताजी गाँव के मंदिरों में जा रहे हैं और उत्तराखंड के गाँव में जो जंगलों के बीच मंदिर होते हैं वह भी कुछ खास होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह मंदिर कोई ऐसे भव्य मंदिर या ये इंसान रूप बनाए हुए मंदिर नहीं होते। यह दोस्तों कुछ पत्थरों और पेड़ों के नीचे बने हुए मंदिर होते हैं जो कि बहुत पौराणिक मंदिर हैं। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही घनी झाड़ियों के और कई खेत पार करके सुनसान जगह पे यह मंदिर है जहां मेरे पिताजी जा रहे हैं। यह आप वीडियो में देख सकते हैं और यहां पर हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं गाँव के और लोग भी मंदिर में आके पूजा कर रहे हैं और हरेला चढ़ा रहे हैं। तो यह भी हमारे गांव के ही आदमी हैं, ये देखिए। और पिताजी यहाँ पर पहुँच चुके हैं मंदिर में। सबसे पहले पानी चढ़ा के देवताओं को नहलाया जाता है। तो ये हमारा भूमिया मंदिर है दोस्तों, ये भूमिया मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है। हम लोगों ने जब से आंखें खोली तो यह मंदिर यहीं पाया। यह हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाया गया मंदिर होगा शायद, यह पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर होगा, लेकिन बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जगह जगह ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं, इसीलिए यह देवभूमि भी है दोस्तों। भूमिया मंदिर में पीठिया पानी अक्सत यह सब चढ़ाने के बाद हरेला चढ़ाया जाता है, फूल वूल चढ़ाए जाते हैं, यहाँ धूप बत्ती जलाई जाती है और आरती भी की जाती है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी घंटियाँ भी ऊपर की तरफ रखी हुई हैं, देखिए मंदिर के लिए। तो दोस्तों भूमिया मंदिर में पूजा पूरी हो गई और हरेला चढ़ा दिया, तो आपने हमारे भूमिया देवता के दर्शन भी कर लिए। अब पिताजी के साथ हम आगे के दूसरे मंदिर में जा रहे हैं जो कि देवी मंदिर है। काफ़ी चलने के बाद हम देवी मंदिर पहुँच ही गए दोस्तों। यह मंदिर भी पहले वैसा ही जैसा भूमि देवता का मंदिर है वैसा ही हुआ करता था, लेकिन ग्राम प्रधान की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से इसको पक्का मंदिर बनाया गया। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यह सीमेंट और ईंटों द्वारा बना दिया गया बाद में डेवलप करके, लेकिन वहाँ पर जो अभी भी मूर्ति हैं या जो हमारे माता के रानी की यहाँ पर पत्थर रूपी मूर्तियाँ हुआ करती थी वो आज भी हैं दोस्तों। थोड़ा यहाँ पर फोटो और नई मूर्ति लाके तो लगा दी स्थानीय लोगों ने, लेकिन जो पुरानी यहाँ पर पत्थर रूपी मूर्तियाँ थी वह भी रखी हैं दोस्तों, उनको अभी भी पूजा जाता है। तो आप फोटो में या वीडियो में देख ही सकते हैं किस प्रकार से वह पत्थर रूपी मूर्तियाँ अभी भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देवी मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर सारे देवियाँ हैं और जिन साथ साथ एक नई मूर्ति भी यहाँ पर देवी की लगाई गई है। तो सब में दो जगह दिया जलाने के बाद पीठियाँ पानी कर रहे हैं पिताजी, और फल और हरेला भी चढ़ाया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं दिए पहले से जले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग आते जाते रहेंगे आज के दिन, तो दिए पहले से जले हैं तो हमें नया दिया नहीं जलाना होगा, उसी पे आप तेल डाल के अपनी बाती लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दिए जलते ही रहेंगे आज दिन भर। इस यह देवी मंदिर के दर्शन हम आपको बहुत नज़दीक से करा रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे से इसके दर्शन कर लीजिए और माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के भी बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। जहाँ माता रानी का मंदिर होता है वहाँ बाहर या थोड़ा दूर पर भैरव देवता भी होते हैं, तो
तो यहाँ मंदिर के बाहर से भैरव देव भी हैं जो कि पत्थर रूपी मूर्ति में हैं, यहाँ पर आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। देवी मंदिर में पूजा और हरेला चढ़ाने के बाद अब दोस्तों हम आगे की तरफ चले गए, जहाँ थोड़ा और दूर चल के हमें एक और मंदिर में जाना है। यह मंदिर हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिर माना जाता है दोस्तों। यह मंदिर भी उसी तरीके का है जैसा कि आपको हमने भूमिया मंदिर दिखाया था दोस्तों। काफ़ी चलने के बाद काफ़ी दूर घनी झाड़ियों के बीच से होते हुए हम नज़दीक पहुंच रहे हैं मंदिर के। तो एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे यह मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भी उसी तरीके से भगवान बसे हुए हैं जो कि पत्थर रूपी यहाँ पर हैं। देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में, वहाँ पर कई स्थानीय लोग पूजा कर रहे हैं और पूजा पूरा होने के बाद अब जाने लग गए हैं। आप देख, यह मंदिर बड़ा इसलिए भी माना गया है दोस्तों, माना जाता है यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवता बसते हैं। यह बहुत बहुत बड़े पेड़ के नीचे बसा हुआ यह मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे भगवान पत्थर रूपी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। सारे देवी देवता यहाँ पर एक ही मंदिर में हैं दोस्तों। यह मंदिर में हमें जैसे हम पूजा करते तो हैं ही, साथ में जो हरेला हमने बोया होता है एक पूरी टोकरी यहाँ चढ़ती है दोस्तों, मतलब कि एक पूरा यहाँ पर चढ़ाया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोगों ने अपना पूरा पूरा हरेला चढ़ाया हुआ है और वैसे भी चढ़ाया हुआ है भगवान को। गाँव के सभी मंदिरों में हरेला चढ़ाने के बाद हम घर को वापस आए। घर वापस आने के बाद दोस्तों यह हरेला छोटे हमसे जो छोटे होते हैं उनको पूजा जाता है। पूजा जाना मतलब सर पर रखा जाता है। हरेला बड़े लोग रखते हैं जो कि अपने आशीर्वाद भी देते हैं साथ में, ताकि आगे को सब कुछ अच्छा हो और बड़ों का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही हम कामना करते हैं हरेले पे। अब आपको दिखाते हैं कैसे हरेला रखा जाता है सर पे, आप देखिए। डॉक्टर बन जाना, बड़ी विद्वान हो जाना, इंजीनियर बन जाना, तेरे माँ बाप बड़ बच रहो, तेरे भाई बहन बचे रहे, सब लोगों को जजा गाड़ी हो जाओ, इलेक्ट्रिक अगला न्यूज ले। तो दोस्तों, इस प्रकार से हरेला हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे हरेले की इस परंपरा को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है।